हेलो स्टूडेंट, मैं सर अभिषेक कुमार गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल। नेटवर्क एनालिसिस एंड थेसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस बार जो हम थ्योरम लेके आए हैं वो है टेंजेंस थ्योरम। इस लेक्चर में हम टेंजेंस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रूफ को देखेंगे कैसे हम टेंजेंस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। अगर मैं बात करूँ टेंजेंस थ्योरम की, क्लियर, तो टेंजेंस थ्योरम एक लौता ऐसा थ्योरम है जो किसी भी सर्किट में एप्लीकेबल होता है। क्लियर, ठीक है, इन एनी सर्किट। नेटवर्क थ्योरम में एक ऐसा ही, बस ये ही एक ऐसा थ्योरम है जो किसी भी सर्किट में अप्लाई होता है। किसी भी सर्किट का मतलब क्या हो गया, क्लियर, सर्किट आपकी लीनियर हो सकती है, नॉन लीनियर हो सकता है, ठीक है, सर्किट आपका और टाइम वेरिएंट हो सकता है, टाइम इनवेरिएंट हो सकता है, कुछ भी। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सर्किट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, तो आपका ये जो नेटवर्क है, किसी भी नेटवर्क या किसी भी सर्किट में ये थ्योरम एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम होता क्या है देखते हैं उसको। क्लियर, तो इसको अगर हमें लैंग्वेज में पिरोना है तो क्या लिखेंगे हम, इन एनी सर्किट। सर्किट का मतलब क्या हो गया, अगर आप और लैंग्वेज को बढ़ाना चाहते हो, एनी लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, सर्किट, क्लियर, किसी भी सर्किट में ऐसा कुछ कोई कंडीशन नहीं है सर्किट के लिए। सर्किट कोई भी हो सकता है, उसमें यूनिलैटरल एलिमेंट भी हो सकते हैं, बाइलैटरल एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। होता क्या है कि द इंस्टेंटेनियस सम, द इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे आप अगर सम निकालोगे ऑफ पावर, इंस्टेंटेनियस सम ऑफ पावर और कॉम्प्लेक्स टर्म सम ऑफ पावर। कॉम्प्लेक्स इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि चूंकि ये एसी सोर्स से एनर्जाइज होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एसी सोर्स में अगर आप पावर की बात करते हैं तो एपरेंट पावर होता है, एपरेंट पावर की वैल्यू एस इंटू वी आई कॉन्जुगेट होता है। क्लियर, कॉम्प्लेक्स सम ऑफ पावर मस्ट बी जीरो। क्लियर, ठीक है, क्लियर, इन एनी लीनियर नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सर्किट एंड इट इज एक्साइटेड बाय एसी सोर्सेस एंड एक्साइटेड बाय एसी सोर्सेस, क्योंकि आप एसी सोर्स के लिए थ्योरम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये थ्योरम केवल एसी सोर्स के लिए होता है, आप एसी सोर्स हो डीसी सोर्स हो उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे आपके सर्किट में कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन आप चूंकि सिलेबस में पढ़ रहे हैं एसी नेटवर्क थ्योरम, तो अगर आपका सर्किट एसी से एक्साइटेड है, क्लियर, यानी रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर ये सारे एलिमेंट आते हैं, तो ऑब्वियस बात है एसी से एक्साइटेड है, देन इंस्टेंटेनियस सम एज वेल एज कॉम्प्लेक्स सम, आप चाहे इंस्टेंटेनियस सम निकाल लो चाहे कॉम्प्लेक्स सम निकाल लो, क्लियर, यानी टाइम डोमेन में भी या फिर स्टेडी स्टेट डोमेन में भी अगर आप सम निकालोगे पावर का तो मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यही आपका टेंजेंस थ्योरम, क्लियर, बस इसी को अपने लैंग्वेज में लिख देना है, इंस्टेंटेनियस सम और कॉम्प्लेक्स सम ऑफ पावर मस्ट बी जीरो। क्लियर, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए होता क्या है कि सिग्मा वी एन या सिग्मा वी के इंटू आई के, क्लियर, हम केथ ब्रांच लेके चल रहे हैं, सिग्मा वी के इंटू आई के, क्लियर, सिग्मा वी के इंटू आई के मस्ट बी इक्वल टू जीरो, जहां पे के क्या है, वन टू एन, जहां पे एन नंबर ऑफ ब्रांचेज, एन इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेज, यानी सारे ब्रांचेज के पावर का हमें क्या करना है, सम कर देना है और वो मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर, यही आपका टेलिगंस थ्योरम होता है, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, सिग्मा वी के आई के मस्ट बी इक्वल टू जीरो, वेयर
वेरीज फ्रॉम वन टू एन एंड एन इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ टोटल ब्रांचेज होगी। क्लियर? इसके प्रूफ को देखते हैं कैसे हम इसके प्रूफ को करेंगे। क्लियर? तो प्रूफ के लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल सर्किट लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सारे सर्किट के लिए मैंने ब्रांच वोल्टेज अज्यूम कर लिया है, ठीक है। ये मान लो V1 हो गया, ये मेरा V2 ब्रांच है, ठीक है, R, L, R, C एंड L1, L2, क्लियर। ये मेरा V2 ब्रांच है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज मैंने मान लिया ये V2 है, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिया मेरा V3 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिया मेरा V4 है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लिया मैंने V5। क्लियर? ये 5 ब्रांच है मेरे, ठीक है। सब में मैंने मान लिया। करंट मैं किसी भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो अच्छी बात है। क्लियर? प्रूफ करने का सिंपल तरीका है, जो एपोस्ट्रॉफी आपने दिया हुआ है वही एपोस्ट्रॉफी हर एक ब्रांच को देंगे। जैसे यहाँ पे V1 है तो मैंने माना कि I1 करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मान लिया I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मान लिया I5 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मान लिया I3 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मान लिया I4 करंट हो रहा है। यानी कितने ब्रांचेज हैं? 5 ब्रांचेज हैं। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिग्मा वी के आई के की, तो के कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 to 5। यानी V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 प्लस V4 I4 प्लस V5 I5 की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? मेरी 0 आनी चाहिए। तो इसको आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि आप कोशिश ये किया करो किसी भी एक चीज को पकड़ो और उससे वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। यानी किसी भी एक चीज को पकड़ने का मतलब यहाँ पे है KCL या KVL अप्लाई करके आप कॉमन टर्म को एक साथ ले और देखें कि वहां पे क्या KCL अप्लाई करने की वजह से वैल्यू 0 हो जाती है। सिंपल लॉजिक यही। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 नोड मानने जा रहा हूँ। एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, नोड ए, नोड बी एंड नोड सी। इसका वोल्टेज वी ए, नोड बी का वोल्टेज वी बी एंड नोड सी का वोल्टेज वी सी। क्लियर? अब यहां पे ध्यान देना, ये आपका ग्राउंड टर्मिनल हो गया, ठीक है। मेरी बात का ध्यान देना है यहाँ पे। अगर मैं बोलू V1 की वैल्यू क्या होगी, तो V1 की, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो भी ब्रांच वोल्टेज है उनको मैं नोड वोल्टेज के टर्म में लिखने जा रहा हूँ। अभी हम देखेंगे नोड वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे, फिर VA, VB, VC को कॉमन लेंगे तो हम देखेंगे KCL अप्लाइड होके आ रहा है, और KCL तो यहाँ पे अप्लाई होता है वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ VA की, तो VA की वैल्यू क्या आएगी? VA माइनस 0, ये आपका ग्राउंड नोड है। VA माइनस 0 की वैल्यू क्या होगी? V1 के बराबर। यानी V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? VA, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी V1 की वैल्यू मुझे मिल रही है VA के बराबर। सिमिलरली अगर मुझे V2 निकालना, V2 की वैल्यू क्या होगी? ये नोड वोल्टेज माइनस ये नोड वोल्टेज, ये क्या होगा? V2 के बराबर होगा। यानी VA माइनस VB की वैल्यू जो हो जाएगी वो V2 हो जाएगी। सिमिलरली V3 निकालूं मैं, V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? VB माइनस 0। क्लियर? ठीक है। इसी तरह V4 की वैल्यू VB माइनस VC के बराबर। क्लियर? VB माइनस VC के बराबर, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे VC की, तो VC की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस ही बात है कि ये आपका 0 वोल्ट है, तो ये नोड और ये नोड दोनों सेम नोड हो जा रहे हैं, तो VC की वैल्यू क्या आ जानी है? 0 के बराबर आ जाए। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? VB के बराबर। क्लियर है चीज, ठीक है। अब हम देखते हैं V5 की वैल्यू। V5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिमिलरली V5 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो V5 हो जाएगा VA माइनस VC। क्लियर? VA माइनस VC यानी VA माइनस 0 यानी VA के बराबर। क्लियर? ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि VC की वैल्यू क्यों 0 है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है और ये ग्राउंड नोड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी वोल्टेज 0 वोल्ट ही होगा। अब हमें क्या करना है? सिंपली हमें कुछ करना नहीं है, जो जो वोल्टेजेज हैं V1, V2, V3 ये सारी वैल्यूज को हमें केवल पुट कर देना। क्लियर? हमें सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू, तो वैल्यूज को पुट करते हैं, करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे क्या निकालना है? V1 है, V1 की वैल्यू क्या है मेरी? VA के बराबर, VA इंटू I1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है मेरी?
वी ए माइनस वी बी के बराबर, वी ए माइनस वी बी के बराबर इंटू आई टी, प्लस वी थ्री की वैल्यू कितनी है मेरी वी बी के बराबर, प्लस वी बी इंटू आई थ्री, प्लस वी फोर की वैल्यू कितनी है मेरी वी बी माइनस वी सी यानी वी बी के बराबर, यानी वी बी इंटू आई फोर, प्लस वी फाइव की वैल्यू क्या है मेरी वी ए माइनस वी सी यानी वी ए के बराबर, वी ए इंटू आई फाइव। अब मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूँ, केवल और केवल वी ए का टर्म एक साथ ले रहा हूँ, वी बी का टर्म एक साथ ले रहा हूँ, क्लियर। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए साथ कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा आपका आई वन प्लस यहाँ पे आई टू प्लस यहाँ पे आई फाइव, वी ए इंटू आई वन प्लस आई टू प्लस आई फाइव, सिमिलरली प्लस वी बी, वी बी कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आई टू, माइनस साइन है तो माइनस आई टू, प्लस वी बी यहाँ पे प्लस आई थ्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आई फोर के बराबर। अब सर्किट पे फिर से आते हैं, सर्किट पे ध्यान देना है यहाँ पे, अगर हम नोड ए पे केसीएल अप्लाई करें, एट नोड ए हम केसीएल अप्लाई करें, ठीक है, एट नोड ए केसीएल, आपको क्या दिखेगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई फाइव की वैल्यू क्या आ जा रही है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई फाइव की वैल्यू क्या आ रही है जीरो, आई वन प्लस आई टू प्लस आई फाइव, मैंने केसीएल अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आई वन प्लस आई टू प्लस आई फाइव की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिमिलरली एट नोड बी, नोड सी पे केसीएल लगाने की जरूरत नहीं है कि वो तो रेफरेंस नोड हो जा रहा है, तो नोड बी पे अगर मैं केसीएल अप्लाई करूंगा, क्लियर, नोड बी पे क्या हो रहा है इनकमिंग करंट आई टू, आउटगोइंग करंट क्या है आई थ्री और आई फोर, क्लियर। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे आई टू की वैल्यू आई थ्री प्लस आई फोर के बराबर हो गई, क्लियर, ठीक है। या और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मुझे अगर रीअरेंज करना है सिचुएशन को तो मैं लिख सकता हूं माइनस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर इक्वल टू जीरो, क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो, आपका एक सोल्यूशन आ रहा है आई वन प्लस आई टू प्लस आई फाइव इक्वल टू जीरो, और एक आ रहा है आपका माइनस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर इक्वल टू जीरो, क्लियर। यानी आई वन प्लस आई टू प्लस आई फाइव की वैल्यू भी जीरो है और माइनस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर की वैल्यू भी जीरो है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है वी ए, ये क्या है एट नोड ए पे केसीएल अप्लाई किया हमने, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई फाइव की वैल्यू कितनी आ रही है जीरो आ रही है, प्लस वी बी नोड बी पे मैंने केसीएल अप्लाई किया तो माइनस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर की वैल्यू क्या आ रही है जीरो आ रही है इंटू जीरो, ये क्या आ गया आपका जीरो। तो आप अगर प्रूफ पूछता है प्रूफ द टेंजेंस थ्योरम, तो आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी आप सिंपल सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, सबके ब्रांच वोल्टेज डिसाइड कर लो, सबके ब्रांच करंट डिसाइड कर लो, फिर उसके बाद जहां जहां नोड है वहां वहां नोड पे आप नोड वोल्टेज को एज्यूम करो और सारे ब्रांच वोल्टेजेस को नोड वोल्टेज के टर्म में लिखो, फिर उसके बाद सारे नोड वोल्टेज को कॉमन लो, और उसके बाद जो आपका कॉमन होने के बाद टर्म बच रहा है उसको आप देखो तो केसीएल अप्लाई करने पे उस पर्टिकुलर नोड पे उसकी वैल्यू जीरो आती है। इसी वजह से क्या होता है टेलीजन सीरम वेरीफाई हो जाता है, क्लियर। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि और आसानी से चीजें हमें क्लियरिफाई हो जाए कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसका एक सर्किट लिया हमने, क्लियर। इस सर्किट में क्या क्या गिवन है, वी वन की वैल्यू 10 वोल्ट है, वी टू की वैल्यू 4 वोल्ट है, वी फोर की वैल्यू 6 वोल्ट है, आई वन आई टू की वैल्यू 2 एम्पियर है, आई थ्री की वैल्यू 4 एम्पियर। हमें कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमारे पास कितने ब्रांचेज है 6 ब्रांचेज, यानी अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिग्मा वी के आई के क्या होगा, वी वन आई वन प्लस वी टू आई टू प्लस वी थ्री आई थ्री प्लस वी फोर आई फोर प्लस वी फाइव आई फाइव प्लस वी सिक्स आई सिक्स। ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, अगर ये वैल्यू जीरो आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर मेरा टेलीजेंस थ्योरम वेरिफिकेशन का हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे वी वन वी टू और वी फोर आपके लिए नोन वैल्यू, क्लियर, आपको उसके बारे में पता है, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको वी थ्री नहीं पता, आपको वी फाइव नहीं पता, आपको वी सिक्स नहीं पता, ये तीन वैल्यू आपके लिए अननोन हो गई। सिमिलरली आई वन आई टू आई थ्री आपको पता है, यानी आई फोर आपको नहीं पता, आपको आई फाइव नहीं पता, आपको आई सिक्स नहीं पता, क्लियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस सर्किट में, बाय अप्लाइंग केवीएल केसीएल आपको ये सारे अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है। जैसे मान लो मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक लूप ये, एक लूप ये, ठीक है, ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इस लूप में केवीएल अप्लाई करूंगा, ये मान लो लूप वन है, ये मान लो लूप टू है, क्लियर? तो अगर मैं लूप वन में केवीएल अप्लाई करूंगा, तो इस लूप में केवीएल जब अप्लाई होगा तो अब क्या मिलेगा? केवीएल इन लूप वन, अप्लाई करिए, वी वन माइनस वी टू माइनस वी थ्री, कर दो क्या आ जाएगा, ये जीरो। आपको देखो सारे ब्रांच वोल्टेज दिया हुआ, जो ब्रांच वोल्टेज दिया हुआ तो वोल्टेज के टर्म में आप केवीएल अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आपने वैल्यूज बस पुट करी, मतलब केवीएल अप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करना है। आपको वी वन पता है, आपको वी टू पता है, वी थ्री आपके लिए अननोन है, तो ऑब्वियस सी बात है वी थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी वन माइनस वी टू के बराबर, यानी क्या हो जाएगा ये 10 माइनस 4 यानी 6 वोल्ट के बराबर, यानी वी थ्री आपको मिल गया। सिमिलरली आप लूप टू में केवीएल अप्लाई कर दीजिए, लूप टू में केवीएल अप्लाई करिए, देखिए क्या हो रहा है, वी थ्री लूप टू केवीएल, वी थ्री माइनस वी फोर माइनस वी फाइव इक्वल टू जीरो, क्लियर? आपको वी थ्री यहां पे मिल चुका है, आपको वी फोर के बारे में पता है, आपको निकालना क्या है, वी फाइव, तो वी फाइव की क्या हो जाएगी, वी थ्री माइनस वी फोर के बराबर, क्लियर? वैल्यू पुट कर दो, 6 माइनस 6 यानी जीरो, आपको वी फाइव भी मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, V6 निकालना इस ब्रांच का वोल्टेज, क्लियर? आपको जो आपका रेजिस्टेंस वाला ब्रांच है उसका वोल्टेज निकालना है, तो आप किसी भी लूप में केवीएल लगाई अप्लाई कर सकते हो। इसी लूप में केवीएल अप्लाई कर, तो मान लो थर्ड लूप है, तो मैं थर्ड लूप में केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी टू माइनस वी सिक्स प्लस वी फोर इक्वल टू जीरो। मैं केवीएल अगर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी टू माइनस वी सिक्स प्लस वी फोर इक्वल टू जीरो, यानी लूप थ्री में अगर केवीएल अप्लाई करोगे तुम, तो आपको मिलेगा वी टू माइनस वी सिक्स प्लस वी फोर इक्वल टू जीरो, क्लियर? वी टू माइनस वी सिक्स प्लस वी फोर इक्वल टू जीरो, यानी वी सिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, वी टू प्लस वी फोर के बराबर, क्लियर? यानी 4 प्लस 6 यानी 10 वोल्ट के बराबर, ये आपको मिलेगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, केसीएल अप्लाई करोगे, क्लियर? आपको आई वन आई टू आई थ्री पता, ठीक है, आपको क्या निकालना, आई सिक्स निकालना, आई फोर निकालना, आई फाइव निकालना, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे नोड की बात करूं, तो एक नोड ए है, एक नोड बी है, एक नोड सी है, ये तीन नोड है, क्लियर? इन तीनों नोडों पे अलग अलग केसीएल में अप्लाई करता हूं, ठीक है, अप्लाई करते हैं केसीएल, सर्किट खोल लेते हैं नीचे। ठीक है, नोड ए पे केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, केसीएल एट नोड ए, ये आपको मिल जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई सिक्स इक्वल टू जीरो, क्लियर? तो आपको आई वन आई टू पता है, तो आई सिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई वन माइनस आई टू के बराबर। आई वन आई टू की वैल्यू कितनी थी, 2 एम्पियर के बराबर, तो माइनस टू यानी -4 एम्पियर, ये आपको आई सिक्स मिल गया। इसी तरह एट नोड बी पे आप केसीएल अप्लाई कर दीजिए, नोड बी पे केसीएल अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट, इनकमिंग करंट कितनी है, आई टू, आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई थ्री प्लस आई फोर के बराबर, क्लियर? आई टू की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2 एम्पियर, आई थ्री की वैल्यू आपको पता है, वो कितनी है आपकी, आई थ्री की वैल्यू है आपकी 4 एम्पियर, क्लियर? वैल्यू पुट कर दे, 4 प्लस I4 आपको कैलकुलेट करना, I4 की वैल्यू आ गई आपकी -2 एम्पियर। सिमिलरली आप क्या करोगे, एट नोड सी केसीएल अप्लाई कर दोगे, नोड सी पे केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, I4 प्लस I6 इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट I5, I5 की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी यहां से, I4 की वैल्यू आपकी कितनी आई है, -2, और I6 की वैल्यू कितनी आपकी, -4, सॉरी I5 की वैल्यू आपकी -2 -4 यानी -6 एम्पियर के बराबर, क्लियर? ठीक है, इनकमिंग करंट I4 एंड I6 इक्वल टू I5, I4 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, -2 एम्पियर, I6 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, -4 एम्पियर, तो -6 एम्पियर आ गया। अब हमें क्या करना है, बस वैल्यूज को पुट कर देना, तो सिग्मा
वी के आई के, वी वन की वैल्यू कितनी थी हमारी, V1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, V1 इक्वल टू था हमारा 10 वोल्ट, V2 इक्वल टू 4 वोल्ट और V4 इक्वल टू 6 वोल्ट। V1 इक्वल टू 10, I1 की वैल्यू मेरी थी 2 एम्पियर प्लस V2 की वैल्यू कितनी हमारी थी 4 वोल्ट और I2 की वैल्यू हमारी थी 2 एम्पियर, ठीक है, 4 इंटू 2 प्लस V3 I3। V3 की वैल्यू कितनी आई हमारी निकल के, V3 की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 6 वोल्ट और I3 की वैल्यू हमारी कितनी है 4 वोल्ट, 4 एम्पियर। 6 इंटू 4 प्लस V4 की वैल्यू कितनी है हमारी, V4 की वैल्यू हमारी निकल के आई थी, V4 हमने कैलकुलेट किया था 10 वोल्ट, सॉरी V4 कैलकुलेट किया हमने, V4 की वैल्यू गिवन थी, V4 इज 6 वोल्ट एंड I4 इज -2 एम्पियर। V4 इज 6 वोल्ट एंड I4 इज -2 एम्पियर। उसके बाद क्या था, V5 की वैल्यू तो हमारी 0 आई थी, ठीक है, V5 क्या आया था हमारा 0 इंटू I5 -6 एम्पियर, ये तो जीरो ही हो जाना है। V6 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, V6 क्या आया था हमारा 10 वोल्ट और I6 की वैल्यू मेरी निकल के आई थी 4 एम्पियर माइनस। बस आपको ध्यान देना है ना कि जो भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है उसी के टर्म में आपको यहाँ पे पुट करना है वैल्यू, आपको मैग्नीट्यूड नहीं पुट करना है, वैल्यू पुट करना है विद देयर साइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 + 8 + 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा -12, यहाँ पे आ जाएगा 0 - 14। तो आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है 52 - 52 यानी 0, क्लियर। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि अल्जेब्रिक सम ऑफ पावर मस्ट बी इक्वल टू 0, अल्जेब्रिक सम ऑफ पावर मस्ट बी इक्वल टू 0, क्लियर। यानी आपको समेशन विद देयर साइन करना, क्लियर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैग्नीट्यूड लेंगे, आई की वैल्यू जो निगेटिव आ रही है वो निगेटिव आएगी, वोल्टेज की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो निगेटिव ही पुट करना, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें टैकल करना है टेंजेंस थ्योरम के प्रॉब्लम को और कैसे आपको थ्योरी को लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।